नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के राजकोट शहर में, राजकोट के ATF पानीपुरी में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी इसका जो रेट है वो 80 रुपीज़ में आपको पानीपुरी और रगड़ा पूरी जो मिलता है वो अनलिमिटेड मिलता है। बाकी जो रेगुलर का रेट चल रहा है, जो गुजराती अपने फॉलोअर होंगे वो लोग जान जाएंगे, बाकी हिंदी फॉलोअर को नहीं पता चलेगा। बाकी मैं इतना कह देता हूँ आपको, 80 रुपीज़ में यहाँ पे अनलिमिटेड देखने को मिलता है। और रगड़ा पूरी और जो रेगुलर पानीपुरी रहता है दोनों का ही यहाँ पे ऑप्शन रह जाता है। और ये जो आप दो मटका देख रहे हो, एक मटके में होगी अपना खजूर का पानी और एक में होगी अपना पुदीना का, यानी कि जो रेगुलर। और आप अंदर भी देख सकते हैं, जो कि प्याज कटिंग, ऑनियन कटिंग सब अंदर ही होता है। तो ये अपना हो गया, जैसे पानीपुरी का जो आलू रहता है ये अपना वो हो गया। तो देख सकते हो किस हिसाब से बनाया जा रहा है, जो कि प्रिकॉशन का भी ख्याल रखते हुए भैया ने ग्लव्स भी पहने हैं। अच्छा, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता, यानी कि प्योर ऑर्गेनिक पानी रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो सब फ्रेश बन रहा है, जो कि रगड़ा भी हो वो भी यहाँ पे बन रहा है, और आलू जो है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं घर से तैयार होके आया फिर यहाँ पे क्राउड को देखते हुए घर से तैयार होके आया फिर यहाँ पे दिया जा रहा है, वैसा कोई यहाँ पे नहीं है। और बाकी दो मटके भी आप देख सकते हो, वैसे वो दो मटके में रखने का पानी कुछ कारण बस मेरा तो संतोष मिले और अच्छा लगता है कस्टमर को। अच्छा, जो मटका का पानी रहता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडा रहता है। हाँ, बिना तो बासन में रखेंगे, कोई भी बासन में तो थोड़ा अलग रहता है, पर मटके में रखने में थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है जी, ठंडा भी रहता है। तो देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब मटका हो गया। और इनका जो रगड़ा था वो यहाँ पे ही गर्मा गर्म बनता ही रहता है। दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हो ये ऑनियन कटिंग किया जा रहा है, जो कि अपने पानी पूरी में ऐड किया जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से, और बिल्कुल फ्रेश तरीके से कट किया जा रहा है।
और बाकी आप पानी पूरी देख सकते हो। ये जो पूरी रहता है ये आप बनाते हो या फिर बाहर से लेते हो? बनवाते हो ना आप? मटियल हमारा रहता है जी, मटियल हमारा रहता है जी, कारीगर के पास हम बनवाते हैं। मतलब खुद का ही सब मटेरियल रहता है और खुद ही बनाते हो ना कारीगर के पास? बड़ी बड़ी पूरी रहती है जी, ये देख सकते हो। वाली नहीं रहती है। उंगली का साइज हो आप पूरी का भी साइज देख सकते हो। पूरी खा के पता चल जाता है। वैसे आपको कैमरा में वैसे पता नहीं चल रहा होगा साइज कितना है, बाकी आप उनका उंगली देख के पता लगा सकते हो। और ये अपना रेगुलर पानी हो गया जो कि पुदीना का है, और यहाँ पे खजूर का हो गया एक। तो ये देख सकते हो दोनों पानी का इनके पास ऑप्शन है। तो सिर्फ अपने पास इतने ही पानी मतलब फ्लेवर रहते हैं ना? वही फ्लेवर रखते हैं पहले से, 3 साल हो गए हैं जी। हमारी एक ब्रांच यहाँ पे मेन ब्रांच है, हाँ। दूसरी ब्रांच है ना नाना मोहर रोड पे, राजकोट पे ही। यही सेम नेम का एटीएफ पानी पूरी। हाँ एटीएफ पानी पूरी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, मेन ब्रांच ये वाली है। अच्छा दूसरी ब्रांच है ना हमारे रिलेटिव का ही है, वो नाना मोहर रोड पे सूर्य नगर है ना वहाँ पे। अच्छा देख सकते हो रगड़ा पूरी के लिए और रेगुलर पानी पूरी के लिए आपको ये ऑप्शन मिलता है। जैसे भैया आपने जो रगड़ा पूरी है ये इसमें क्या क्या आपने चीजें ऐड किया है? जैसे व्हाइट वटाणा आवे है जी, आदू मरचा नी पेस्ट आवे, मतलब आदू मरचा का पेस्ट। अच्छा और ओनियन और आलू का ही बनता है? आलू का ही बनता है ना, हल्दी नमक। तो आप जितना बनाते हो वो सारा सेल हो जाता है या कुछ बचता है? अच्छा तो भैया का कहना है मतलब ये है कि रगड़ा जितना भी बनाते हैं वो सब मतलब तो भी है ना बाकी, मतलब ऐसा लगता है कि और भी चाहिए, इतना मतलब यहाँ पे डिमांड है इस रगड़ा का। શિયાળા ની ઋતુ માં રગડા ની ડિમાન્ડ વધારે રહે છે, કારણ કે ગરમ ગરમ વસ્તુ રહી ને અને લાઈવ ઓર મજા આવે, અને આપણે સિસ્ટમ કેવી એક એક વસ્તુ દેવાની પ્લેટ ભરી ના દે, લાઈવ જ આપી એક એક, એટલે કસ્ટમર ને એવું ખાવાની મજા આવે।